हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जिंदगी में अगर कभी आप मुश्किल घड़ी में फंसे हो, कभी आप विपत्ति में फंसे हो, तो जिंदगी में ये पांच बातें याद रखना, आपको नई दिशा, नई सोच ये पांच बातें देंगी। जबकि जब भी आपको लगे कि यार मैं बड़ी विकट स्थिति में फंसा हुआ, जबकि आपको लगे कि जब भी आपका मन परेशान हो, जब भी आपका मन विचलित हो, इन पाँच बातों को याद रखना, आपका मन अच्छा हो जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जिंदगी में और आगे क्या करना है। ये पांच बातें जब भी याद रखें जब आप दुखी हो। नंबर वन, आप अपने जीवन में कुछ न कुछ करते रहिए। शिक्षा, शिक्षा आपके जीवन में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता है, वो कहते हैं नॉलेज इज द पावर। आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहिए, आप हमेशा कुछ न कुछ ऐसा नॉलेज अर्न करते रहिए। अगर आपके अंदर कुछ नॉलेज होगा, आपके अंदर कुछ ऐसी बातें होगी, तो आप सामने वाले से अच्छी तरीके से बात कर पाओगे, आप उससे कॉन्फिडेंस से बात कर पाओगे। और जब आपके अंदर ही कुछ नॉलेज नहीं होगा, तो आप उसे किस तरीके से बात कर पाओगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जिंदगी में शिक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको जहाँ मिले जहाँ सीखते रहिए, क्योंकि बिना नॉलेज आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा कहा जाता है, किसी विद्वान ने कहा है कि नॉलेज इज़ द पावर। अगर आपके पास नॉलेज है तो आपके पास पावर है। सेकंड, अपने रहस्यों को किसी से साझा ना करें। अगर आपका कहीं अपमान हुआ है, अगर आपको कोई बिजनेस में नुकसान हुआ है, तो ये अपने किसी दूसरे को ना बताएं। कोई खास हम खास हो और आपको लगे कि ये मेरी बात किसी से शेयर ना करेगा, उसी को ही बताएं। अगर आप हर किसी को अपना दुख और हर किसी को अपनी असफलता, हर किसी को भी अपना अपमान बताओगे, तो वो क्या करेगा, वो दूसरों के सामने आपके अपमान और आपकी असफलता की बातें करेगा और आपको हमेशा नीचा देखना पड़ेगा। तो ज़िंदगी में ध्यान रखें कि अपने कुछ ऐसे रहस्य हैं जो किसी को न बताए और अपने पास ही रखें। थर्ड, भूतकाल का पछतावा कभी ना करें और भविष्य की चिंता में न डूब रहे। बहुत से जने क्या करते हैं, अरे यार मैंने भूतकाल में वो कर दिया, मैंने अगर वहाँ वैसा नहीं करता तो आज मैं कहाँ होता, वो कर दिया। अरे यार जब बीत गया है, जो भूतकाल निकल गया, क्या उसको आप वापस ला सकते हो? एक सेकंड अगर आपकी ज़िंदगी गुजर रहा है तो उसको आप कभी वापस नहीं ला सकते हो। इसलिए आप जो पल बीत चुका है उसके बारे में न सोचें और भविष्य की चिंता में न घिरे रहे, हमेशा वर्तमान पर ध्यान दें। आप बहुत से जने बात करते हैं, यार भविष्य में वो हो जाएगा तो क्या होगा, यार वो हो जाएगा तो क्या होगा, मैं नुकसान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मुझे असफलता मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा। अरे यार ऐसी बातें आप क्यों सोचते हैं, हमेशा अपने वर्तमान पर ध्यान दें, अपने कर्म पर ध्यान दें और हमेशा बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करें, हमेशा अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करें, क्या अपने काम में 100% देने की कोशिश करें, मेहनत ईमानदारी और धैर्य से काम करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, आप इस संकट की घड़ी से अवश्य निकलेंगे। फोर्थ, कर्म पर भरोसा करें, भाग्य पर नहीं। बहुत से जने क्या कहते हैं, यार मेरा भाग्य बहुत ही ख़राब है, यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ और बहुत करता हूँ फिर भी नहीं होता है। आपकी बात मानते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं लेकिन बहुत मेहनत करते हैं लेकिन असफल होते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी ना कभी सोचा है कि यार कहीं ना कहीं तो उनकी गलती रही होगी और कहीं ना कहीं उनको ऐसा एहसास हुआ होगा कि यार मैंने वहाँ गलती की। आप अपने काम में 100% सफल ध्यान देवें, उसके प्रति आप लगन लगा रहें, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने भाग्य के भरोसे ना बैठे कि यार मेरे को वो मिल जाएगा, मेरे को वो बैठे बैठे मिल जाएगा, कभी किसी के पास बैठे हुए नहीं आया। जहाँ तक कि गीता में भी कहा गया कि कर्म को प्रधान माना गया है, न कि भाग्य को। इंसान के कर्म से भाग्य बनते हैं, न कि भाग्य से कर्म बनता है। फिफ्थ, काम की शुरुआत ऐसे करें, काम की शुरुआत में असफलता के बारे में न सोचें, अपने तन मन धन लगा के उस काम को करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपने अच्छा कार्य किया और आपको असफलता मिली है, कोई बात नहीं, असफलता मिली है, लेकिन उस काम को आप रिसर्च करें और देखें कि आपको असफलता कैसे मिली है और उस असफलता को कैसे आप दूर कर सकते हैं, उस पॉइंट को निकालें और वापस उस कार्य में लग जाए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी और एक दिन आप अवश्य उस जगह पहुँचोगे जहाँ आपको पहुँचना है। तो आज ये मैंने आपको ज़िंदगी की पांच बातें बताई है। जब भी आप मुश्किल के समय हो, ये पांच बातें ज़रूर याद रखना, आप हमेशा पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस करोगे। इसी के साथ आज यहीं, देखते रहिए मेरे वीडियो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे।